हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थॉट ऑफ द क्लास, नो वन इज़ टू बी ब्लेम फॉर योर फ्यूचर सिचुएशन बट योर सेल्फ। इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल देन बिकम सक्सेसफुल। इट मीन्स किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता या हम किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते हैं जो भी हमारी आज की फ्यूचर सिचुएशन है, मतलब या फिर हमारी भविष्य में होंगी या प्रेजेंट में हैं। वो किस पर डिपेंड करती हैं? केवल हम पर ही डिपेंड करती हैं। यदि हम चाहें कि हमें सफल होना है तो हम सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम चाहते हैं तो निश्चित है कि हम उस सफलता के लिए काम करेंगे और हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की हमारी क्लास का मोटो है, तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। कहने का मतलब, जो भी आप चाहते हैं उस काम को करते रहिए, निरंतर करते रहिए, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। करना कब तक है? जब तक कि सफल ना हो जाए। एक महान लेखक ने कहा था कि यदि आपको 100 मौके मिलते हैं, कितने 100 मौके मिलते हैं, और आप 99 बार फेल हो जाते हैं। ऐसे नहीं बोला था उसने कि 99 टाइम्स फेल हो जाते हैं। क्या बोला था? कि आप अधिक सर्वाधिक बार फेल हो जाते हैं, उसमें 1% चांस ऐसा है कि आप पास होंगे। तो आप कितनी बार कोशिश करेंगे? तो बहुत ही सुंदर इसका आंसर ये था कि मैं 100 टाइम्स कोशिश करूँगा, चाहे मुझे 100 बार ही असफलता क्यों ना मिले, है ना। क्योंकि 1% सफलता के चांस है, मतलब एक ही बार तो सफल होना है ना। लोग असफल ही बार बार होते हैं, सफल तो एक ही बार होता ना। इंसान कहते हैं ना, बच गए, तो लोगों का क्या कहना होता है? बचे नहीं हो आप, है ना। बचते तो हम हर दिन हैं, मरते केवल एक दिन हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। हम डिस्कस करने वाले हैं आज कुछ कॉमन सेंटेंसेस के लिए। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, वो अजीब बातें करता है, ही टॉक्स स्ट्रेंज। फिर नेक्स्ट है हमारा, सीधे बैठो, सिट अपराइट। मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? डू यू रियली मीन इट। आपका गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसका भी बोल सकते थे, उसका मजाक बनाओ, है ना। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। बड़ा चढ़ा कर मत बोलो, डोंट एक्सग्रेड, या फिर एक्सीड भी बोल सकते थे इसको। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल टू एनीबॉडी। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माय वे। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। वो बहुत पतला है, ही इज सो स्किनी। पिछली बार हमने पढ़ा था क्या, मोटा, यानी कि पेटू, ठीक है। इस बार क्या पढ़ रहे हैं हम, बहुत पतला। तो आप ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर। ये मेरे लिए बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील फॉर मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यू यूज़ योर ब्रेन। ये हुई ना बात, दैट्स द वे। कृपया अंदर आइए, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, प्लीज़ गेट इन, या फिर प्लीज़ कम इन। गेट इन कब बोला जाएगा? जब कोई व्यक्ति, मतलब मैं किसी को बुला रहा हूँ और मैं ही कमरे के बाहर हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, गेट इन, कि कमरे के अंदर चले जाओ, इस टाइप से। और अगर मैं कमरे के अंदर हूँ तो इसको मैं कैसे बोलूँगा, कम इन, ठीक है। तो आप याद रखना इन दोनों सेंटेंस के लिए। आपको क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। कोई नहीं आया, नोबडी केम। मुझे दोनों पसंद हैं, आई लाइक बोथ। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ तो बोलो, से समथिंग या टेल समथिंग, बताने के लिए, है ना, वर्ब चेंज हो जाएगी। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये तो होना ही था, दिस हैड टू बी हैपन। पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट। सच हमेशा कड़वा होता है, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर।
आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी स्टूडेंट्स हैं या फिर आप वर्कर भी हैं, कुछ काम करते हैं, है ना, तो आप ये ज़रूर करना कमेंट। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू रिमेन काम। क्या बकवास है, व्हाट अ नॉनसेंस। जीभ पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर टंग। वो हकला रहा था, ही वॉज स्टैमरिंग। नज़र ना लगे, टच वुड। तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। तुम कितने सुस्त हो, यानी कि कितने हारे हुए हो। यू आर सो डल। मुझे शांति से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। उठो, वेक अप। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। क्या करें, व्हाट टू डू। कमरे में कोई नहीं है, देयर इज़ नोबडी इन द रूम। मैं चल नहीं सकता, आई कांट वॉक। ठीक है, हो गए हमारे ये सेंटेंसेस। चलिए, मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए, है ना। थोड़ा सा आप टाइम निकाल के 10-15-20 मिनट का, है ना, थोड़े से नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बना करके आपको क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करना है, वोकैब्स स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने एडवाइजरी वाले वीडियो में, एडवाइजरी और सबसे मतलब पहला और सेकंड वीडियो जो है मेरा, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखकर यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस के फॉर्मेशन में। आप सेंटेंस का फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। एक बार आपसे सेंटेंस का फॉर्मेशन बनने लगा तो आप आसानी से स्पीच राइट करना सीख जाएंगे, और राइट करने से क्या होगा, आप उसकी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीकिंग भी आपकी आ जाएगी, है ना। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक काम और करना है कि आप मेरा वीडियो आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। जिससे होगा क्या, जिससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपका फ्रेंड जो भी है वो इस वीडियो को देखेगा और वो भी प्रैक्टिस करेगा, तो उसके अंदर भी क्या होगा, इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होगा। और उस इम्प्रूवमेंट में आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है दोनों को, या जितने भी जन हो आपस में बैठकर, जिससे क्या होगा, आप सभी की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।